Hello friends, welcome to you in this channel Learning with Mayank. तो आज हम सीखेंगे about compound sentences. तो for today our topic is compound sentences. Compound sentence, first we used to know about simple sentence. So simple sentence kya hote hain? To वैसे sentence जिनमें सिर्फ one predicate हो और one subject हो, वैसे sentence को कहते हैं simple sentence. सिर्फ one सब्जेक्ट हो और वन प्रेडिकेट होना चाहिए. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सिंपल सेंटेंस का. ही इज गोइंग टू मार्केट. तो ये है हमारा एक सिंपल सेंटेंस. अब कोई पूछेगा कि आप कैसे कर सकते हैं कि ये आपका एक सिंपल सेंटेंस है. तो इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट है ही. तो ही इज अ सब्जेक्ट. तो यहाँ पे हमारा एक सब्जेक्ट है और इज गोइंग टू मार्केट ये हमारा प्रेडिकेट है. आई नो कि सबको सब लोग जानते होंगे, पर फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि जो ही है, जो सब्जेक्ट है वो है इसमें ही, और इज गोइंग टू मार्केट जो है वो प्रेडिकेट. क्यों प्रेडिकेट किसे कहते हैं? जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है उसे कहते हैं हम लोग प्रेडिकेट. तो ये इज गोइंग टू मार्केट जो है वो हमारा प्रेडिकेट है. तो हमने सिंपल सेंटेंसेस को जान लिया कि सिंपल सेंटेंस जो हमारा टर्म है उसका मतलब क्या है. अब है हमारा टर्म कंपाउंड सेंटेंसेस. तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं? तो वैसे सेंटेंस जिसपे दो क्लॉज जो है वो ज्वाइंट हो और वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो. हाँ, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं. ही इज going to market but he will not go to school. ये है हमारा compound sentence. He is going to market but he will not go to school. अब हम कैसे कह सकते हैं कि ये कंपाउंड है या सिंपल है, हम कैसे कह सकते हैं? तो ये कंपाउंड है क्योंकि इसमें दो क्लॉजेज हैं जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और बीच में हमारा एक ज्वाइनिंग वर्ड भी है बट. ये कंपाउंड सेंटेंसेस को पहचानने के लिए बहुत अच्छा ट्रिक होता है क्योंकि इनके बीच का एक कंजक्शन वर्ड. कंजक्शन वर्ड्स वैसे वर्ड को कहते हैं जो दो वर्ड्स को ज्वाइन कर, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, जैसे एंड, बट, और, फॉर, एक्सेट्रा. मतलब कंजक्शन वर्ड का काम है दो वर्ड्स को ज्वाइन करना. तो जिस भी सेंटेंस में हम फाइंड आउट करेंगे कि एक कंजक्शन वर्ड है तो वहाँ हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि ये एक कंपाउंड सेंटेंस है. लेकिन यदि हमारे सेंटेंस में कोई कंजक्शन वर्ड नहीं है तो हम कहेंगे कि ये एक सिंपल सेंटेंस है. तो हमने अभी जाना कि कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं और सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं और दोनों में क्या अंतर है. अब हम कुछ एग्जांपल लेंगे जिससे हमें ये याद हो जाए. देखिए यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं. जैसे He is dancing
एंड सिंगिंग. ही इज डांसिंग एंड सिंगिंग एज वेल. तो अब यहाँ में ये पहचाना है कि ये कंपाउंड सेंटेंस है या सिंपल सेंटेंस है. एग्जाम में हमें ऐसे फिल करने के लिए दे देगा कि राइट सी फॉर कंपाउंड सेंटेंस एंड एस फॉर सिंपल सेंटेंस. तो हम इसमें लिखेंगे ही इज, हम इसमें फाइंड करेंगे कोई कंजक्शन वर्ड है या नहीं. तो कंजक्शन वर्ड यहाँ पे एंड है, सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सी कंपाउंड सेंटेंस. तो हमने जान लिया सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं, उसकी हमने एग्जाम्पल जान लिया. तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कंपाउंड सेंटेंस. आज के लिए बस इतना ही, बाकी की क्लास भी आती रहेगी. धन्यवाद, शुक्रिया.